रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के जम्बूरी मैदान पर प्रदेश की महिलाओं के साथ लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहली घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण लाडली बहनों को मिलेगा। सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहली घोषणा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम ये भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है, उन पदों पर ज्यादातर लोग, ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट है उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डरमैन, केवल एल्डरमैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। लाडली बहनों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी घोषणा की। लाडली बहनों के बिजली बिल 100 रुपए करने की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। और मेरी बहनों ने मुझे बताई, कई जगह बहने आ जाती है और मुझे कहती है, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं तो सुनो मेरी बहनों, सब सुन रही हो ध्यान से? अरे सब सुन रही हो कि नहीं? तो सुनो, आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। दे भाई बहनों का पर्व है, बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है? अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में राखी के लिए 250 रुपए डाले। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि अक्टूबर से बहनों के खाते में 1,250 रुपए हर महीने आया करेंगे। अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से मन सके। काय क्लिक, ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है, आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं के लिए हर दिन नई घोषणा कर रहे हैं, उससे प्रदेश की महिलाओं में उनकी छवि लाडले भाई की बन गई है, जिसका फायदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ये बात खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जानते हैं, इसीलिए अपनी लाडली बहनों को खुश करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसका फायदा बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को कितना मिलता है, ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनें सीएम शिवराज सिंह चौहान से बहुत खुश हैं।